हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आप लोगों को आपके इस चैनल डिजिटल राजेश गुप्ता यूट्यूब हिंदी चैनल पर। आप इस चैनल को यहां सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल या पीसी पर नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और साथ ही साथ अगर ये हमारा वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पर भी आपको एनी टाइम हमसे आप अपडेट रहा करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे थ्री ब्लैक क्रो के बारे में और थ्री व्हाइट शोल्डर्स के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 14 है, 14वां भाग है ये। बाकी के पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी के 13 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा सीरीज चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा से छोटा सीरीज बने, ये आप लोगों को पूरा मैं कवर कर पाऊँ। तो इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि ब्लैक क्रोस और थ्री व्हाइट शोल्डर्स किसे बोलते हैं। चार्ट में आप चार्ट जो देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चार्ट आप देख रहे हैं, तो लंबे अप ट्रेंड के बाद इस प्रकार का कैंडल स्टिक आपको दिखे रेड, ये तीनों मतलब ये क्लोज हो, इसके बाद में ये क्लोज हो, इसके बाद में ये तीसरा कैंडल क्लोज हो और तीनों कैंडल बेयरिश कैंडल हो, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे थ्री ब्लैक क्रोस। ब्लैक क्रो इसका इसलिए नाम पड़ा है कि पहले के जमाने में पहले ब्लैक कलर का होता था और वाइट कलर का होता था, इस प्रकार का पहले कैंडल स्टिक होते थे, है ना। तो इस प्रकार का होता था पहले, तो इसका ब्लैक क्रो इसलिए नाम पड़ा कि पहले के जो बुजुर्ग लोग रहते थे घर में, आंगन में जैसे काला कौवा आकर बैठ गया तो लोग उसको बोलते थे कि जरूर कुछ अशुभ होने वाला है, लेकिन होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते थे ऐसे कि घर में मान लीजिए कोई काला कौवा आके बैठ गया तो लोग बोलते हैं कि पहले के जमाने मैं भी सुना हूँ बचपन में कि घर में कुछ अशुभ होने वाला है, तो उसी का नाम ये दिया गया है ब्लैक क्रो, ना थ्री ब्लैक क्रो। तो अब इसका मतलब आप समझ गए कि इसका नाम इसलिए पड़ा है ना, और ये पहले के जमाने में इस तरह का कैंडल होता था ब्लैक और वाइट, और अब जो चलता है रेड कलर का और ग्रीन कलर का। रेड मतलब बेरिश कैंडल स्टिक और ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल स्टिक। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप चार्ट कोई भी देख रहे हैं और लंबे अप ट्रेंड के बाद इस प्रकार का कैंडल स्टिक आपको दिखा, तीन कैंडल स्टिक आपको दिखा इस तरह से बेरिश, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पर मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, मार्केट अब यहाँ से पूरा तेजी से गिरेगा। लेकिन ये काम जब ही करेगा जब आप पूरे अप ट्रेंड में ये तीनों कैंडल बनेगा इस प्रकार का, तभी ये काम करेगा। और यहाँ पर मान लीजिए तीन कैंडल बना और यहाँ पर थोड़ा बहुत बुलिश कैंडल स्टिक मान लीजिए बनता है, तो वहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ से अभी बेरिश नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा बुलिश जाएगा, और इसके बाद फिर लेकिन वो डाउन गिरेगा ही गिरेगा। उसी तरह इसका है उल्टा, उसी का उल्टा मान लीजिए, वही अगर बॉटम में अगर ये बुलिश कैंडल स्टिक उसी प्रकार का बन जाता है सेम लंबे डाउन ट्रेंड के बाद, तो उस कैंडल को हम बोलेंगे थ्री व्हाइट शोल्डर कैंडल स्टिक पैटर्न, उसको हम नाम देंगे। और चार्ट जो भी आप देख रहे हैं इस कैंडल स्टिक से आप एनालाइज कर रहे हैं, तो आप चार्ट को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का सेलेक्ट नहीं करेंगे। मिनिमम आप 1 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे का देखेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे कि कैसे पता करेंगे कि बॉटम का तलाश कैसे करेंगे, टॉप का तलाश कैसे करेंगे, वो आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को कवर करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे। अभी आप इस वीडियो में ये चीज सीख लीजिए कि अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, लंबे अप ट्रेंड में है मार्केट, और ऊपर में इस प्रकार का आपको कैंडल स्टिक दिख गया तीन, ये बेरिश कैंडल स्टिक, तो इसका हम नाम देंगे थ्री ब्लैक क्रो। थ्री ब्लैक क्रो ये कैंडल स्टिक बन गया।
अब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कर लेना चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट लंबे डाउन ट्रेंड के में जाने वाला है। तो यहाँ से अगर आप कोई भी कॉइन खरीद कर रखे हुए हैं और अब ट्रेंड में जा रहा है और तीन ऐसा कैंडल स्टिक आपको मिल गया, तो आपको कंफर्म कर लीजिए कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। इसके बाद उसी का डिपॉजिट, उसी का उल्टा यहाँ समझ लीजिए कि उसी तरह का तीन लगातार इस तरह का बॉटम है। अगर आप मान लीजिए 1 डे का चार्ट देख रहे हैं या 1 आवर्स का देख रहे हैं या 4 आवर्स का देख रहे हैं और बॉटम में इस प्रकार का आपको कैंडल स्टिक मिल गया, मतलब ये एक बेरिश बन सॉरी बुलिश बना। इसके बाद अगला जो कैंडल बनेगा वो उसके ऊपर क्लोज होगा, फिर तीसरा जो बनेगा वो उसके ऊपर क्लोज होगा, तो आप उसको समझ लीजिए कि वो 3 व्हाइट शोल्डर्स पैटर्न बन गया और यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड में जाएगा जाएगा, है ना। तो आप लोग समझ गए इस वीडियो में कि 3 ब्लैक क्रो किसे बोलते हैं और 3 व्हाइट शोल्डर्स किसे बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।